चलो गुरजीत, आपको दिख रहा है स्क्रीन, विजिबल है, आवाज आ रही है? ठीक यस सर। है, चलो देखिए हमारी फर्स्ट न्यूज है, मैं दोबारा आपको बता दूं एक बार। लास्ट क्लास में हमने 22 अप्रैल तक की न्यूज कवर की थी, इस क्लास में हम 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जाम, उसको कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी न्यूज है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च द फिफ्थ फेज ऑफ उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है, सुना इसके बारे में कभी? इस स्कीम का नाम है उड़े देश का आम नागरिक। सिविल एविएशन मतलब जो फ्लाइट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उसके साथ जो मिनिस्ट्री डील करती है, राइट। इसका ये फिफ्थ फेज इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट टाइम ये स्कीम को 2017 में शिमला से इंट्रोड्यूस किया गया था, शिमला से लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली स्कीम में है क्या कि जो भी हमारे नॉन फंक्शनल एयरपोर्ट्स थे उसको हम कनेक्ट करेंगे थ्रू एयर कनेक्टिविटी, और सारे एयरपोर्ट से फ्लाइट्स जो है उसको हम जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, मेजर सिटीज है, उनके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे हिमाचल में शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा एयरपोर्ट्स हो गए, इन सबको दिल्ली के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया गया अंडर दिस स्कीम। तो उसका ये फिफ्थ फेज है। इस फिफ्थ फेज में एडिशनल 50 एयरपोर्ट्स को हम फंक्शनल करेंगे और अराउंड 1000 और नए रूट्स जो है उसको लेके आए, राइट। अब आपके ग्रुप में ये जो न्यूज है ये आपको डेली मिल जाया करेगी, डेली डेली जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी डेली आपको ग्रुप में आ जाएगी, और वहां से आप डेली पढ़ सकते हो, और वीकेंड में हम सारी न्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं इस स्कीम के। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी रिलीजेस ₹100 का कॉइन टू कमेमोरेट द 100th एपिसोड ऑफ मन की बात। सुना है मन की बात क्या है? ये हर संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेडियो पे आते हैं, और एक इनका शो है जिसको मन की बात बोलते हैं, जो अपनी मन की बात करते हैं सब लोगों के साथ। तो उसका 100th एपिसोड था लास्ट संडे को, तो वो 100th एपिसोड को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने 100 रुपीज का जो कॉइन है उसको इशू किया है। ऐसा दिखता है कॉइन, 100 रुपीज का कॉइन। अभी तक जो कॉइन था मैक्सिमम डिनोमिनेशन 10 रुपीज तक के थे, ठीक है, 10 रुपीज से ऊपर कॉइन नहीं था। नेक्स्ट IGGL, IGGL क्या है? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। पाइपलाइन क्या होती है? पाइप्स हैं बेसिकली, बड़ी पाइप्स हैं जिसके थ्रू हम केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो हाइड्रोकार्बन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एशिया की लार्जेस्ट कहाँ पे, अंडर ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसकी लेंथ है अराउंड 4.08 किलोमीटर, 4080 मीटर, फ्रॉम जोरहा टू मजोली इन असम, मजोली इन असम, अंडर ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट इज तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखरन राव अनवील्स इंडिया टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू। इंडिया टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है बेसिकली वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। ये इंडिया का टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैच्यू है जो कि कहां पे लगाया गया है? इन हैदराबाद, राइट, तेलंगाना हैदराबाद में। नेक्स्ट लॉग नाइन मटीरियल सेटअप इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैसिलिटी। ये लॉग नाइन एक प्राइवेट कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर के लिए एक फैक्ट्री सेटअप की है। किस चीज के लिए? लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल क्या होता है? दीज आर द बैटरीज, लिथियम आयन बैटरी। ये हमारे जो फोन है, मोबाइल फोन है, उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। एनी रिचार्जेबल बैटरी, ऐसी बैटरी जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। जैसे हमारे फोन्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी चार्ज होते हैं उन सब में लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है। जैसे पहले हमारे सेल्स आते थे, अभी भी जैसे रिमोट्स है उसके अंदर सेल डलते हैं या वॉल क्लॉक्स में सेल डलते हैं, दोज आर नॉट लिथियम आयन बैटरीज, क्योंकि दोज आर नॉट रिचार्जेबल, वन टाइम यूज, एक बार यूज करोगे देन यू हैव टू थ्रो इट अवे, राइट। तो फर्स्ट टाइम ये कंपनी का नाम याद रखेंगे, इसने फर्स्ट टाइम इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है बेंगलुरु, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये कहीं भी न्यूज में आप सुनोगे तो इंडेक्स का मतलब क्या है? रैंकिंग, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज की रैंकिंग्स इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक सेकंड, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है पता है? लॉजिस्टिक्स सुने कभी? लॉजिस्टिक्स मींस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ह्यूमन बींग्स की ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स की, सामान की। तो सामान की ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया का जो नेटवर्क सिस्टम है कितना एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे रैंकिंग। ये इशू किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया का रैंक कितना है?
38, तो आप किसने किया, सिंगापुर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट, आईसीआईसी बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बैंकिंग की न्यूज है। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर कोविड, कि प्रोग्राम क्या है लोगों को वैक्सीनेट करने। वैक्सीन लगवा लिया आप सबने, लगवा लिए तो अंडर दिस स्कीम ही आपने वैक्सीनेशन लगवाई है। अब ये वैक्सीन जो है, इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। क्यों? क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को इतने कम टाइम पे वैक्सीनेट करना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये एक वैक्सीनेशन ड्राइव थी, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है, इसलिए इसको ये पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। प्रोग्राम या स्कीम को, उसका नाम क्या है, नेशन COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम किसने अंडरटेक किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज इसरो लॉन्च टू सिंगापुरियन सैटेलाइट्स। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस रिसर्च एजेंसी है। अब इसरो जो है, ये बाकी कुछ कंट्रीज की हेल्प करती है लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, उन कंट्रीज की जिनके पास अपनी कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, जैसे सिंगापुर है, इसके पास अपनी कोई स्पेस एजेंसी नहीं, तो उसके सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किया। अब दो सैटेलाइट्स, उनका नाम क्या है, टीलियोस 2 एंड ह्यूमलाइट 4। ये दो सैटेलाइट्स का नाम आपको याद रखना, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है। कहाँ की है ये सैटेलाइट, सिंगापुर, सिंगापुरियन सैटेलाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट, सोलर इंडस्ट्रीज, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू सप्लाई 400 यूनिट्स ऑफ नागस्तरा ड्रोन्स टू इंडियन आर्मी। दीज आर काइंड ऑफ यूएवीज। यूएवी क्या होता है, दिस इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एरियल व्हीकल मतलब एयर में चलने वाला व्हीकल, अनमैन मतलब इसमें कोई भी मैन नहीं बैठता, ये ऐसे दिखता है व्हीकल, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ व्हीकल्स, इसके 400 यूनिट्स बनाए जाएंगे बाय सोलर इंडस्ट्रीज, और किसको दिए जाएंगे, ये इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी जो है इनको यूज करेगी अपने बॉर्डर एरियाज में फॉर सर्वेलेंस कि कोई इंसर्जेंसी तो नहीं हो रही, इलीगली कोई इंडिया में एंटर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, और ये दूर से बर्ड की तरह दिखता है, ठीक है, और ये इजीली कैप्चर नहीं होते, पता नहीं लगता कि ये क्या चीज है, इसलिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22। तो एवरी डे को ऐसे कोई ना कोई डे होता है, इसकी थीम होती है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बहुत सारे डेज आएंगे, एवरी वीक हर दिन पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनली, राइट। सो दिस इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विद नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचर है और ह्यूमन बींग्स है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसकी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। डेट इज अप्रैल 22। नेक्स्ट इज यूनिकॉर्प्स प्लान्स टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन ले लद्दाख। फर्स्ट ग्रीन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, माइक्रोग्रिड क्या होता है, छोटा प्रोजेक्ट, माइक्रो राइट, किस चीज के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अभी क्या है कि हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं व्हीकल्स में, उससे कार्बन एमिशन होती है, पॉल्यूशन होता है, लेकिन अब फ्यूचर में हम हाइड्रोजन व्हीकल्स भी यूज करेंगे, जो कि हाइड्रोजन के ऊपर चलेंगे, जिसमें कार्बन एमिशन नहीं होगा, तो उस चीज के लिए हमें हाइड्रोजन बनाने की जरूरत है। और ग्रीन हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक है। तो ये बनाने की फर्स्ट टाइम इंडिया में फैसिलिटी जो बनेगी, जहां पे हम हाइड्रोजन बनाएंगे, कहां पे बनाएंगे, इन लद्दाख, इन लेह रीजन, इन लद्दाख। क्लियर? तो बस यही है इस न्यूज में। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव लॉन्चेस न्यू फीचर्स इन ई श्रम पोर्टल। पोर्टल कहीं पर भी वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है, एक वेबसाइट, पोर्टल मीन्स वेबसाइट। ई श्रम, श्रम का मतलब क्या होता है, वर्कर्स, और वी कैन से माइग्रेंट्स, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये भी एक पोर्टल है इनके लिए, एक वेबसाइट है जिसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट के अंडर वो सारे एक लिस्ट बन सके, गवर्नमेंट को पता हो सके कौन कौन लोग जो है वो माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे माइग्रेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद। तो इसी में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड की गई हैं, जैसे जो ये श्रम्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, अपनी फैमिली की डिटेल्स भी साथ में अपलोड करें, कि गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम आती है अगर कोई बच्चों के लिए, तो इजिली बेनिफिशरीज का पता लग सके। और कुछ वुमेन सेंट्रिक, वुमेन के लिए भी अगर कोई स्कीम्स हैं,
तो उसके बारे में भी इजीली बेनिफिशरीज को टारगेट कर सके. सो इन विच द सपोर्टिव इन प्रोवाइडिंग चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमेन सेंटरिंग स्कीम्स टू द माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव माइग्रेटेड विद फैमिली. ठीक है, तो ये इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इस स्कीम में ऐड किए गए हैं. नेक्स्ट, इंडिया बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी. ऑयल रिफाइनरी क्या होती है? क्रूड ऑयल सुना आपने? क्रूड ऑयल, व्हाट इज क्रूड ऑयल? नहीं सुना? जब भी पेट्रोल डीजल बनता है उससे पहले क्रूड ऑयल लेके आते हैं हम. क्रूड ऑयल इज इम्प्योर ऑयल, जिसको हम एक्सप्लोरेशन से या खुदाई करके जिसको हम नीचे से अर्थ से निकालते हैं. तो क्रूड ऑयल को बाद में रिफाइन करके उससे पेट्रोल डीजल एलपीजी एलएनजी सीएनजी ये सारी चीजें बनाई जाती है. तो रिफाइन कहाँ पे करते हैं? रिफाइनरी. सो दिस इज अ फैसिलिटी, एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री है जहां पे इम्प्योर ऑयल को प्योर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो मंगोलिया का फर्स्ट ऐसा रिफाइनरी जो बनेगी वो कौन बनाएगा? इंडिया. मंगोलिया एक कंट्री है, रशिया चाइना के बीच में एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है उलान बतार. यहाँ पे बनेगा ये रिफाइनरी. कब तक कंप्लीट होगा? 2025 तक. ठीक है, नेक्स्ट सिप्री इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में. स्वीडन कंट्री में एक इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज जो वेपन्स आर्म्स एम्युनिशन इसमें कितना ज्यादा इन्वेस्ट करती है उसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है. तो इस बार इसने रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें क्या है कि डिफेंस इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड में मिलिट्री मतलब आर्मी में एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा खर्चा करती है? तो इसमें टॉप पे है यूएस. यूएस सबसे ज्यादा खर्चा करती है मिलिट्री पे, उसके बाद चाइना, देन रशिया, देन इंडिया. सो इंडिया इज एट फोर्थ पोजिशन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन स्वीडन. नेक्स्ट, ये एक अपॉइंटमेंट की न्यूज है. 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन अपॉइंट हुए? मोहम्मद शहाबुद्दीन. मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज बीन स्वॉन इन एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना. प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना. नेक्स्ट, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी कंडक्ट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ BMD. BMD इज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर. इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को? इंटरसेप्ट सुना नहीं है कभी? इंटरसेप्ट तो रिएक्शन दो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं दीवारों को बोल रहा हूँ. हंस लो, बोल लो, आवाज निकाल लो, मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोग सुन रहे हो. इंटरसेप्शन या इंटरसेप्ट का मतलब है कि जैसे रडार्स होती हैं, अगर कोई इनकमिंग मिसाइल होगी तो वो रडार्स को कैप्चर कर लेगा. किसी चीज को कैप्चर करना, इंटरसेप्ट करना. जैसे हमारे फोन के अंदर एक डिवाइस होता है IC जो सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है, तो ही फोन में सिग्नल आता है. एनी इनकमिंग रे और इनकमिंग सिग्नल उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी, इन्होंने अपना एक इंटरसेप्टिंग सिस्टम है कि शिप्स के ऊपर एक सिस्टम लगेगा जिसमें अगर कोई भी शिप के ऊपर कोई भी मिसाइल है किसी दुश्मन देश की तो उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा. ठीक है, उसको पता लग जाएगा कि हाँ देयर इज सम मिसाइल एंड वी आर अंडर अटैक एंड देयर इज सम थ्रेट मिसाइल. तो बस वो सिस्टम है. नेक्स्ट, SpaceX स्टारशिप वर्ल्ड्स बिगेस्ट रॉकेट. ये SpaceX की कंपनी है US की, इसका सबसे बड़ा रॉकेट था दुनिया का जो लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो गया. सो टेस्ट वाज फेल्ड. SpaceX एलन मस्क की कंपनी है जिसकी टेस्ला है, जिसका ट्विटर है. नेक्स्ट, 14th नेशनल पंचायती राज डे ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 24th अप्रैल. 24th अप्रैल 1992 को जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था. कौन सा शेड्यूल है पंचायती राज के लिए? 12th. कब का? 11th. कौन से अमेंडमेंट से आया था? 73rd अमेंडमेंट से. तो 73rd अमेंडमेंट 1992 इस डेट को.
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी. मल्टीलेटरलिज्म का मतलब क्या होता है कि मल्टी मींस मोर देन वन. सो देयर इज मोर देन मल्टीपल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह की कंट्रीज हैं, अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो सबकी एग्जिस्टेंस को हमें रिस्पेक्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्विंग द वैल्यूज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल कोऑपरेशन टू मेंटेन पीस. एक पीस मेंटेन रहे सारी कंट्रीज के बीच में. ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? On April 24th again, जिस डे को नेशनल पंचायती राज डे होता है. ठीक है, सेम डेट है. नेक्स्ट इज UN इंग्लिश लैंग्वेज डे. ये इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है, ये विलियम शेक्सपियर का नाम सुना है? कहाँ सुना? नॉवल पढ़ी है इनकी स्कूल में, 9th या 10th क्लास में, जूलियस सीजर. सुना पढ़ा हूँ, सुना जूलियस सीजर. तो इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी एक ही डेट पे आती है. इनकी बर्थ भी उसी डेट पे होता है जिस डेट पे डेथ हुई थी, डेथ भी उसी डेट पे होती है जिस डेट पे बर्थ हुआ था, दैट इज 23rd अप्रैल. सो उस डे को हम इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे. ये बेसिकली रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ऑथर्स जो है उनकी प्रमोशन के लिए, ये डे की एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ऑथर्स की क्या वैल्यू है और इसका थीम क्या है. इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, इंडिजीनियस मीन्स लोकल, लोकल लैंग्वेजेस. नेक्स्ट PM डेडिकेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, विच इज इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो. दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन कोची इन केरला. ये आपने याद रखना है, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची. इंडिया की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल डेडिकेटेड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पोर्टल. पोर्टल अगेन वेबसाइट है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट. क्या होते हैं हैंडलूम्स? जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जैसे कि कोई शॉल है, कोई कैप है, कोई सॉक्स है, कोई मफलर है, ऐसी चीजें. तो जो लोग ये चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक पोर्टल है कि वो यूजिंग दैट वेबसाइट डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं ग्लोबली. नॉर्मली क्या, देयर आर सम इंटरमीडिएटरीज, वो किसको सेल करेंगे, किसी और को सेल करेंगे. तो इंटरमीडिएट को हटाने के लिए कि डायरेक्टली उनका बेनिफिट हो, डायरेक्टली उनको प्रॉफिट मिले, और साथ में जो भी वी कैन से ये अपने बिजनेसमैन बन सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, उनके लिए पोर्टल है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट रतन टाटा ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. टाटा कंपनी सुनी होगी आपने, तो ये उनके ओनर है रतन टाटा. इनको अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, जो जैसे इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है, भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो वहां पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये क्यों मिला है कि इन्होंने जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कोई ट्रेड रिलेशनशिप्स या ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिलैंथ्रोपी. फिलैंथ्रोपी होती है डोनेशन, चैरिटी, उसके लिए उनको अवार्ड मिला है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अपॉइंट्स अरुण सिन्हा चेयरमैन ऑफ NTRO. ये अपॉइंटमेंट की न्यूज है. NTRO इज नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन जो है दैट इज अरुण कुमार सिन्हा. नेक्स्ट इसरो कंप्लीट्स PMD ऑपरेशन ऑफ GSAT-12 सैटेलाइट. PMD क्या होता है? पोस्ट मिशन डिस्पोजल. जब किसी भी मिशन का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, तो उसके बाद उस मिशन के जो भी सैटेलाइट है, सैटेलाइट को हमने ऊपर भेजा. अब हर सैटेलाइट की एक लाइफ होती है 8 to 9 years. जब वो 8 to 9 years उसने अचीव कर लिया, तो उसके बाद हम उसको डिस्पोज कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसे एक सैटेलाइट थी GSAT-12, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया. ठीक है, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड विद अदर सैटेलाइट CMS-01. 2020 में इस सैटेलाइट के साथ उसको रिप्लेस कर दिया गया, उस सैटेलाइट को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया. नेक्स्ट वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 April 25th को. इसमें बेसिकली ये है कि कैसे मलेरिया को हम रिमूव रेडिकेट कर सकते हैं और क्या क्या उसके कॉजेज हैं, लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज. इसके लिए एक वैक्सीनेशन भी इंट्रोड्यूस हुई थी लास्ट टाइम हमने किया था एक कंट्री में, कौन सी कंट्री थी? घाना, एक कंट्री थी घाना, अफ्रीका की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने अडॉप्ट किया है मलेरिया के लिए वैक्सीन. इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे. डेलीगेट्स कौन होते हैं? जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री.
ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप एक पीसफुली बना रहे, तो उनके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन अप्रैल 25। वर्ल्ड पेंगुइन डे, तो ये भी लोगों को एजुकेट करने के लिए कि पेंगुइन जो है क्या उनका इकोसिस्टम है, क्या हैबिटेट है, क्या उनके लाइफ थ्रेट्स है और उनकी पॉपुलेशन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पेंगुइन सबसे ज्यादा अंटार्कटिका में मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अप्रैल 25। नेक्स्ट इज यूएन स्पेनिश लैंग्वेज डे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज डे है वैसे स्पेनिश लैंग्वेज डे है ऑन अप्रैल 23। यूनाइटेड नेशंस इसको ऑब्जर्व करता है इस डे को। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स, जो एनिमल्स लेबोरेटरी में होते हैं और जिनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है उनके लिए अप्रैल 24 को, टू कमेमोरेट द सफरिंग ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में एनिमल्स को क्या क्या सफरिंग सहनी पड़ती है उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे डेज है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे आते हैं, राजस्थान गेट्स थ्री न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है, क्या होता है? हाँ जी, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व करना होता है, अच्छा ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जिनके पॉपुलेशन अंडर थ्रेट है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उनका अच्छा हैबिटेट नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा फूड नहीं है, तो उस चीज के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी टू एनिमल्स। जहाँ पे आपका अर्बनाइजेशन अलाउड नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलाउड नहीं है, नॉइस पोल्यूशन अलाउड नहीं है, पोल्यूशन अलाउड नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। तो ऐसी तीन नए कंजर्वेशन बनाए गए हैं राजस्थान, कौन कौन से, सरसन, खिचान और हमीरगढ़, राइट। और टोटल 26 हो चुके हैं राजस्थान स्टेट में। तो ये स्टेट इंपॉर्टेंट है, स्टेट याद रखना आपको। नेक्स्ट, ये भी बैंकिंग की न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बैंकिंग की न्यूज है। प्रिंस ऑफ आर्कट नवाब मोहम्मद अब्दुल अली, ये आर्कट नहीं ना, ये इतनी ज्यादा आर्कट कहाँ पे है, ये मद्रास में था पहले, जो अब चेन्नई बन चुका है इन तमिलनाडु। ये क्या था पहले, प्रिंसली स्टेट होती थी, किंगडम होता था आर्कट, ठीक है। वहां का जो भी नवाब है, मतलब अभी किंगडम तो रहा नहीं है लेकिन उस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनको अवार्ड मिला है IAA इज इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन। इन्होंने अवार्ड दिया है कि इन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलियंस के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेनेंस के लिए इन्होंने काम किया, राइट। दूसरा कुछ जैसे रिफ्यूजीज हैं यहाँ से उधर जाते हैं, इनके पास अच्छा शेल्टर नहीं है, खाना नहीं है, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम सिमुलेटेड ल्यूनर सॉइल। ल्यूनर मतलब ल्यूनर वर्ड इज रिलेटेड टू लूनर वर्ड। लूनर का मतलब क्या होता है, मून। लूनर सरफेस मतलब मून का सरफेस, ठीक है। लूनर एक्लिप्स होता है, जैसे लूनर एक्लिप्स जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है उसको हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। एक सोलर एक्लिप्स होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है। तो नासा का एक मिशन था जिसमें उन्होंने जो सरफेस है मून का वहां से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे लाइफ हो सकती है मून पे, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया हमें वहां पे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। फाइव टाइम प्रकाश सिंह बादल, फाइव टाइम पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, ही पास्ड अवे लास्ट वीक। अब ये न्यूज में कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ ही बिलोंग टू विच पार्टी, श्रोमणी अकाली दल से आता है। साथ में इनके बारे में दो फैक्ट्स हैं, ही वॉज द यंगेस्ट सीएम ऑफ इंडिया, यंगेस्ट पर्सन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, एंड द ओल्डेस्ट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। तो जब ये सीएम बने थे उस टाइम ये यंगेस्ट थे, फर्स्ट टाइम बने थे, जब अभी लास्ट टाइम बने थे तो ही वॉज द ओल्डेस्ट सीएम, ठीक है। सो एट द एज ऑफ 43 ही बिकेम स्टेट्स ओल्डेस्ट सीएम, यंगेस्ट सीएम सॉरी। सो एट द एज ऑफ 90 ही बिकेम द ओल्डेस्ट सीएम। नेक्स्ट, ये भी एक ओबिचुरी, ऐसी न्यूज को हम ओबिचुरी बोलते हैं, ओबिचुरी मतलब जिनकी डेथ हो जाती है, इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो गई तो उनके ऊपर पूछ लेते हैं कि किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। प्रकाश सिंह बादल बिलोंग्स टू विच फील्ड, पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसे ही त्रिपुराज फर्स्ट पद्मश्री अवार्डी हिमांशु मोहन चौधरी पासेस अवे, ही बिलोंग टू विच फील्ड, ही वॉज ऑल्सो बेसिकली ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर थे,
बाद में इनको पद्मश्री मिला, त्रिपुरा से बिलोंग करते थे। पद्मश्री क्यों मिला? क्योंकि जब 1971 की इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो जो बांग्लादेश से रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे उनको शेल्टर प्रोवाइड किए थे, इसलिए इनको पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द बुक स्वराष्ट्र तमिल संगम प्रकाशती। ये क्या है? तमिल संगम, बेसिकली तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के ऊपर बुक है जिससे पूरी की पूरी तमिल हिस्ट्री डिराइव होती है। हिस्ट्री में पढ़ा आपने? हिस्ट्री एंशिएंट, एंशिएंट में संगम लिटरेचर पढ़ा? संगम एज कुछ याद है? तीन किंगडम्स थे, चीरा, चोला, पांड्यास, तो इनकी जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी संगम एज से डिराइव है, तो उसी के ऊपर ये बुक है। ठीक है, दिस बुक इज प्रिपेयर्ड बाय सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी इन गुजरात, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी इन गुजरात। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। हाँ जी गुरजीत, व्हाट इज IPR? पता किसी को? नाम से क्या पता लग रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ आ रहा? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब मेरे इंटेलेक्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी इंटेलिजेंस। ठीक है, मेरी इंटेलिजेंस से मैंने कोई भी क्रिएटिविटी की है, मेरी इनोवेशन, दैट इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब वो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी इंटेलिजेंस है वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो किसी और की थोड़ी है। जो मेरी क्रिएटिविटी है, जो मेरी इनोवेटिव आइडियाज है, वो मेरे आइडियाज है, एंड राइट उसके ऊपर से मेरा राइट है। ठीक है, दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब मान लो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि आप घर बैठे हो लेकिन आपको ऐसा दिखेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हो, कुछ वर्चुअली, कुछ लेजर से, कुछ भी। अब ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया, इनोवेशन से बनाया, तो इसके ऊपर मेरा राइट है सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर को कोई और नहीं यूज कर सकता। दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये राइट प्रोवाइड कौन करता है? हमें गवर्नमेंट। आपने कोई भी नया, कोई गाड़ी का डिजाइन बना लिया नया, कोई ऐप बना ली नई, तो आप उसको पेटेंट करवा लो। गवर्नमेंट आपको पेटेंट मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, क्या आपके पास इसका कॉपीराइट है, कोई और यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए, इस चीज को एनकरेज करने के लिए ये डे जो है April 26th को ऑब्जर्व किया जा सकता है। IPR याद रखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा न्यूज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस। चेर्नोबिल यूक्रेन में एक सिटी है जहां पे 26 अप्रैल 1986 को न्यूक्लियर रिएक्टर से एक गैस लीक हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्टर मेल फंक्शनिंग हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यूरेनियम गैस लीक हुई, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे अराउंड 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी एक रात में, और एक गैस अराउंड जर्मनी तक फैल गई थी फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन इज इन यूरेशिया वाला एरिया, और यूरोप तक फैल गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है हिस्ट्री में, उसको रिमेम्बरेंस के लिए डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर। नेक्स्ट, नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट टाइटलिंग, टाइटल है उसका प्रमोटिंग मिलेट्स एंड डाइट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? सुना मिलेट्स? रागी, ज्वार, बाजरा, ये चीज सुनी? बाजरे की रोटी, ये चीजें, दीज ऑल आर मिलेट्स। ओट्स, मिलेट्स, तो ये कुछ खाने वाली चीजें हैं जिसमें हाई प्रोटीन वैल्यू है, हाई कार्ब्स है, लो फैट है, ये सारी चीजें, राइट? तो इंडिया में बहुत ज्यादा मिलेट्स ग्रो होते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उस चीज की प्रमोशन के लिए कि ज्यादा ज्यादा हमें मिलेट्स को कंज्यूम करना चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट। ठीक है, इसलिए प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स, डाइट में हम मिलेट्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ वीट एंड राइस, जो कहीं ना कहीं इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये सारी चीज। ठीक है, और एक और चीज, 2023 has been declared as International Year of Millets. तो ये याद रखना, International Year of Millets. तो ये United Nation General Assembly का एक resolution था, उसने adopt किया था last year. Next, Nirmala Sitharaman approves Navratna status for Rail Vikas Nigam. तो आप economy में पढ़ोगे, economy जो companies होती है, government की companies होती है, जैसे DRDO है, इस वे सारी government companies है, ये तीन categories की होती है। सबसे ऊपर तो महारत्ना, बीच में होता है नवरत्न, और सबसे नीचे मिनी रत्न।
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कितना बिजनेस करती हैं कंपनीज। तो ऐसे ही एक कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी है, इनकी पहले मिनी रत्न थी, उसको नवरत्न का स्टेटस मिल गया, ठीक है, मतलब हायर स्टेटस मिल गया। अब इकोनॉमी में पढ़ोगे ये तीन चीजें क्या होती। नेक्स्ट इज अमित शाह लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो डीएपी डेवलप्ड बाय इफको। नैनो डीएपी डैप, डैप इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये क्या फर्टिलाइजर है, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट, दिस इज नैनो डैप, जिसमें हम कह सकते हैं इट इज कोटेड बाय यूरिया, नीम कोटेड यूरिया। तो एक फर्टिलाइजर है विच इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसको इंडिया ने बनाया, इंडिया कौन सी कंपनी जिसने बनाया है, इफको, IFFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नॉर्मली फर्टिलाइजर जो है उससे मीथेन गैस रिलीज होती है विच इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, लेकिन फर्टिलाइजर जो है उसको यूज करते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो क्रॉप्स की, फर्टिलाइजर समझते हो ना क्या होता है, ठीक है, तो वैसे ही ये ऑर्गेनिक है जिसमें से मीथेन गैस नहीं रिलीज होती, सो इट इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज इंडिया साइंस न्यू वर्किंग प्लान 2023 फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद जर्मनी। इंडिया जर्मनी का एक पैक्ट है, एक अग्रीमेंट है कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने। नेक्स्ट इज वाइल्ड वर्ल्ड फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड लॉन्च्ड इन मुंबई। तो ये सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड है, बहुत ही इनोवेटिव चीज है। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग, कितने फॉलोअर्स हैं, 400, 12K, ओके, तो फिर तो आप इसके लिए एलिजिबल हो इस कार्ड के लिए। तो ये कार्ड का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि जिस भी पर्सन के 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, वो ये कार्ड परचेज, उसको ये कार्ड इशू किया जा सकता है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको, इस कार्ड से आप शॉपिंग करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी ट्रायल बेसिस पे है, सिर्फ फर्स्ट 5000 यूजर्स के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द फर्स्ट 5000, ठीक है। दिस इज वाइल्ड, WYLD, समझ आया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड बोलते हैं। सोशल मीडिया पे आपके जो फॉलोअर्स हैं, दैट वुड बी यूज्ड एज द करेंसी, कितने फॉलोअर्स हैं, इफ मोर देन 1000 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन सुना, भारत को साफ करने का मिशन है, 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको बेस्ट अवार्ड मिला है स्वच्छ भारत मिशन इन यूपी, जो यूपी उत्तर प्रदेश है जो अपना स्वच्छ भारत मिशन चला रही है उसको बेस्ट अवार्ड मिला है, हुडको अवार्ड बोलते हैं उसको। हुडको क्या है, दिस इज हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज में जो डेवलपमेंट और हाउसिंग है, क्लीन वाटर है, क्लीन सैनिटेशन है, क्लीन एनवायरमेंट है यूपी को, इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट 14 दलाई लामा जो है 14th, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 में मिला, लेकिन उन्होंने तब एक्सेप्ट नहीं किया था, अब एक्सेप्ट किया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज, ये रेमन मैग्सेसे एक पर्सन है, रेमन मैग्सेसे जिनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, ये इंडोनेशियन पर्सन थे, और एशिया में इसको नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, एशियाज नोबेल प्राइज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ही इज अ 64 ईयर पर्सन, इनकी कैपिटल जो है ये तिप्तियन है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी कैपिटल है, मैंगलोरगंज में, दैट इज द तिप्तियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, क्योंकि तिब्बत को चाइना ने एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट RINL, राष्ट्रीय इस्पत निगम, इस्पत निगम ये कंपनी है जिसको विजाग स्टील भी बोलते हैं, आयरन स्टील कंपनी, उसको अवार्ड मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। स्टील की बहुत सारी कंपनीज है, उनमें से एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के अंडर आती है विजाग स्टील, राइट, उसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जापानी स्टार्टअप आईस्पेस फेल टू लैंड इट्स हकुटू आर लैंडर ऑन मून। तो जैसे इंडिया का हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, मिशन लैंड नहीं कर पाया था मून पे, तो वैसे ही जापान का एक मिशन था जिसका नाम था हुकातू आर, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये भी लैंड नहीं कर पाया मून पे सक्सेसफुल, जापान का मिशन था, तो न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT, ICT इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि गर्ल्स का क्या रोल है IT सेक्टर में, उस चीज को और ज्यादा इंकरेज करने के लिए, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है April 27। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड ऑयल इंडिया, ये दो, ऑयल इंडिया इज अगेन गवर्नमेंट कंपनी और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, इनके बीच में एक अग्रीमेंट है
टू हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हिमाचल में बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सबसे बड़ा रिसोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज जो अर्थ की हीट है, जैसे हिमाचल में बहुत सारी जगह पे स्प्रिंग्स है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, जैसे कि मणिकरण, और उसके ऊपर जाओ तो खीर गंगा, सत्ता पानी इधर शिमला के पास, तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। तो ये सारे क्या रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस चीज को हार्नेस करने के लिए, हार्नेस मतलब अचीव करने के लिए, ठीक है, हिमाचल और ऑल इंडिया लिमिटेड के बीच में एमओयू है। एमओयू इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 91 न्यू 100 वाट एफएम ट्रांजिस्टर्स ऑफ एयर, ऑल इंडिया रेडियो के 100 मोर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज इट इज अ डिवाइस जिससे सिग्नल ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है। तो रेडियो कनेक्टिविटी को और ज्यादा इंडिया में इंक्रीज करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 91 न्यू ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किया है अलग अलग जगह, जिससे लोग जो है ज्यादा रेडियो सुन सके, ज्यादा उसका एक्सेस हो लोगों के पास रेडियो का। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टाइल ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टाइल ब्रिज है जो केबल से बना हुआ सारा, ठीक है, आयरन के केबल, आयरन स्टील के मिक्सचर की केबल्स होती है, वायर्स होती है, जिससे ये ब्रिज बना है। कहां पर बनाई है? J&K में, अंजी रिवर के ऊपर, अंजी खड बोलते हैं इस रिवर को, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो ये J&K में इंडिया का फर्स्ट रेलवे ब्रिज, एंड इट विल बी रेडी इन दिस मंथ, मई 2023 में ये फंक्शनल हो जाएगा। ये भी बैंकिंग न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नीली बिंद पूरी रिसीव्स 2023 इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड, यूएसए में इनको अवार्ड मिला है, इमिग्रेंट अवार्ड, यहाँ से ये यूएसए में माइग्रेट कर गई, और यूएसए में इनके डिफरेंट इमिग्रेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट करना और वहां पे एक अच्छी इमिग्रेशन पॉलिसी बनाना, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके जाएंगे उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। इनका नाम याद रखना, नीली बेंडापूड़ी, साउथ इंडिया में। ए माधवन राव सिलेक्टेड एज सीएमडी, सीएमडी इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बस अपॉइंटमेंट की न्यूज है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी एक कंपनी है जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को सपोर्ट करती है, उनके इक्विपमेंट बना के देती है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो वर्क प्लेस पे सेफ्टी बनी रहे, जैसे कुछ हजार्डस फैक्ट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स की फैक्ट्री, डेंजरस फैक्ट्री, तो वहां पे हमने सेफ्टी कैसे काम करना, उस चीज के बारे में एजुकेट करने के लिए लोगों को 28 अप्रैल को एक डे ऑब्जर्व किया जाता। नेक्स्ट इज मणिपुर ऑब्जर्व 132nd खोंगजोम डे। खोंगजोम जो है ये बेसिकली, खोंगजोम कौन थे, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खोंगजोम बिटवीन द मणिपुरी पीपल एंड ब्रिटिश, ठीक है, 1891 में। तो उस बैटल के जो हीरोज थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये खोंगजोम डे जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अजय वॉरवर इज अ डिफेंस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ ड्रिल दो आर्मीज के बीच में, दो कंट्रीज के आर्मीज के बीच में। सो इंडिया और यूके के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कहां पे हुई है, यूके में, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब होगी तो इंडिया में होगी, उसके नेक्स्ट ईयर यूके में होगी, तो ऐसे ही अल्टरनेटिवली होती है। एडीबी की एनुअल रिपोर्ट है, एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि फिलीपींस में है, और इसकी एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एशिया में पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट रिसीपियंट ऑफ एडीबी लोन्स, रिसीपियंट मतलब रिसीव किए हैं पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन्स इन 2022, ठीक है। तो बस ये आपको कंट्रीज याद रखनी है। इंटरनेशनल डांस डे, जैसे कि बाकी दिन है वैसे भी इंटरनेशनल डांस डे है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट्स रोल इन वेरियस कल्चर एंड सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब, कि डांस की क्या वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में, अप्रैल 29th। नेक्स्ट इज पुष्करालू फेस्टिवल रिटर्न्स टू द गंगा आफ्टर 12 इयर्स। ये एक फेस्टिवल है पुष्करालू फेस्टिवल, ये हर 12 साल बाद मनाया जाता है, और 12 इंडिया में जो सेक्रेट रिवर्स है उसके अलॉन्ग सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हर 12 साल बाद अलग नदी होती है, ठीक है। तो इस बार गंगा थी, बाकी की जो 12 नदियां हैं वो ये सारी, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु एंड प्रणहिता। तो ये सारे रिवर्स के अलॉन्ग जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार गंगा के अलॉन्ग किया गया है वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश, क्लियर। मुझे पता था ये आपके 45 मिनट्स बहुत बोरिंग निकले, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स थे ऑफ अप्रैल, अब नेक्स्ट सैटरडे को हम मई के फर्स्ट वीक के करेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। कितना बोरिंग था, बहुत थोड़ा,
मिडल में। हाँ जी मॉडरेट सर। चलो मॉडरेट सर। हाँ जी गुरजीत वालिया क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी आपको एक पैसेज मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ एक पैसेज, ठीक है? आपको जस्ट टू शो, जस्ट टू टेल के करंट अफेयर से कैसे पैसेज आते हैं डायरेक्टली। करंट अफेयर का एक आर्टिकल है, डायरेक्टली उसको उठा के क्लैट के पेपर में ऐसे डाला जाता है। इसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस उसको अटेम्प्ट करना होता है आपको। गुरजीत आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये पेपर। आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है इसको प्रैक्टिस करने के लिए।
हो गया, समझ आया कुछ? समझ आया कुछ? अरे कुछ तो बोलो, रिएक्शन भी देते हो आप लोग। अरे वो कहाँ है? पीजी में मंडे लेके आऊंगा। तो ये आपको जो पैसेज दिया है बेसिकली आपको इसके दिया है कि आपको समझ आएगी कैसा मैसेज आता है। मैं इजी नहीं आता, मुझे पता है इजी नहीं लगा होगा आपको। आपको ऐसे लगा होगा कि ये क्या हो गया एकदम जिंदगी में, है ना? लगा ऐसे? तो मतलब बहुत हमें ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। अब करंट अफेयर जैसे आपको करवाए हैं, इसमें क्या है कि डायरेक्टली आर्टिकल आएगा न्यूज़पेपर से, पर ये जरूरी नहीं है कि आंसर वो आर्टिकल में हो, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में होता है। ठीक है, अब अगर ये आया है ऐसा एक पैसेज आया है, तो आपको इस चीज के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा 100% श्योर नहीं है कि आपका आंसर ये पैसेज में लिखा होगा, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की तरह ढूंढ लोगे, तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझना पड़ेगा, हर फैक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा अपना मतलब खुलना शुरू करो। ठीक है, ऐसे फिर क्या है कि टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे आप जल्दी। ठीक है, चलो आपका फर्स्ट डे है, आपका तो 3 दिन हो गए, आप तो बोलो, आपकी तो तीसरी क्लास है आज, कुछ डाउट है बोलो, कुछ डिस्कस करना है, कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो क्या होता है स्कूल कॉलेजेस में, ऐसे होता है लेक्चर, लेक्चर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, कि टीचर आया बोला चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्कशन, डिस्कशन इज डायलॉग, डायलॉग मतलब डाय मीन्स टू, दो लोग बोले, मोनोलॉग थोड़ी है कि मैं बोल रहा हूँ, अकेला डायलॉग है ना, तो आप लोगों को भी डिस्कस करना है, बोलना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डाल दूंगा, बाकी कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी। पढ़ी आपने पहले पॉलिटी? कुछ पता पॉलिटी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस? वैसे ही है, पॉलिटिकल साइंस जैसा ही है, बस उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है। और इसमें हमने पढ़ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ बुक ऑफ लॉ, और हमारी कंट्री में देर इज रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है हमारी कंट्री में। सो हमारी कंट्री में जितने भी लॉस चल रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी लॉ, एवरी न्यू लॉ इज मेड बाय कीपिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन अपसाइड, यही सबसे ऊपर रख के कोई भी लॉ बनाया जाता है। ठीक है, हमारे पास जितने भी राइट्स हैं, ऑल द राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज अ बुक ऑफ लॉ। ठीक है, इंडिया जो है, हम इंडिया का पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे द लीडर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? और ये इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सारा कहां पे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो सिस्टम होता है दैट इज मोनार्की, किंगशिप, तो वो इंडिया में नहीं है, वो खत्म हो गई, उसके बाद ये चीज एस्टैब्लिश हुई थी। तो इससे पहले हमने जितना भी किया है, 2 ही क्लासेस में इससे पहले, उसमें हमने एक में हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और सेकंड में हमने इसके कुछ फीचर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हो गए, शेड्यूल्स हो गए, और इसका फर्स्ट जहां से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स के फर्स्ट पेज पे बना होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया में लिखा होता है, तो सिर्फ वहां तक किया था हमने। आज से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फ्रॉम पार्ट वन, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो विल स्टार्ट विद पार्ट वन। ठीक है, पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं वो आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं, आपकी आईडी बन गई, तो आईडी पे आप लॉग इन करोगे, अपने सब्जेक्ट में जाओगे, तो वहां पे 2 वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है, डेट वाइज जो पहले की डेट क्या है वो फर्स्ट वीडियो, तो आप उसको देख लो, कवर कर लो वहां से। तो आज स्टार्ट करते हैं विद पार्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन।
ठीक है, समझाऊंगा भी मैं, साथ साथ में मैं लिखाऊंगा भी, तो इसके आपको अपने साथ में अपने हैंड नोट्स भी प्रिपेयर करने, ठीक है, मैं ही बनाऊंगा, बाद में इसी को रेफर करना आपने रिवाइज करने के लिए। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अलग अलग नोटबुक्स बनाओ, ठीक है, एक नोटबुक मत बनाओ कि उसी में ही आप मैथ्स कर रहे हो, उसी में ही लीगल रीजनिंग कर रहे हो, उसी में ये कर रहे हो, बाद में इसका कोई फायदा नहीं होगा। कंसोलिडेटेड नोट्स बनेंगे अलग से, तो उसी से रिवाइज करने का मजा आएगा, ठीक है। सो पार्ट वन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन मींस यूनियन गवर्नमेंट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलते हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ये अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट्स का यूनियन है, एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये दो गवर्नमेंट्स प्लस इसकी टेरिटरीज, टेरिटरीज का मतलब जिस एरिया में इसकी पावर है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट है पंजाब, तो उसकी टेरिटरी कौन सी है? जो पंजाब का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्न करेगी जो पंजाब की ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अब पंजाब की गवर्नमेंट हर हिमाचल के लिए थोड़ी लॉज बनाएगी, या हरियाणा के लिए थोड़ी लॉज बनाएगी, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरीज कौन सी है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कोई स्टेट थोड़ी है, इट्स नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूटी, ठीक है। तो कितनी यूटीज है हमारे कंट्री में? हाँ जी बोलो बोलो थोड़ा अच्छी। नाइन, नाइन कौन कौन सी, ये तो करना है इसमें हमने, यूनियन टेरिटरीज। चलो छोड़ो, स्टेट्स कितनी है, यूटीज पे बाद में आते हैं, बेसिक 27 स्टेट्स। हेडिंग लिखो, यूनियन एंड टेरिटरीज हेडिंग लिखिए। अब जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, जितनी आपको पता है, उसको एक लिस्ट में लिख लो, लिख लो, लिख के बताओ, मतलब लिख के दिखाओ, मुझे भी एजुकेट करो। जितनी स्टेट्स आपको आती हैं, कोई टेस्ट थोड़ी है। मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 28 स्टेट्स के, 28 में से जितने भी स्टेट्स आपको पता है, उसके नेम्स लिखते हैं। गुरजीत आप भी लिखो, कितनी स्टेट्स आपको आती हैं? गुरजीत आर यू लिसनिंग? यस सर। लिख रहे हो? यस सर लिख रहा हूँ।
कितनी हो गई ईशा? आपकी सीरत नहीं आती कोई बात नहीं, मैंने भी बताना ही है कोई बात जितनी आती। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जो आप चुम्बेश हो उसको ऐड कर लेना। J&K and Telangana. J&K is not state, it is a UT. And Telangana has already been written. I'm missing one North Eastern state. Yeah.
जी हैदराबाद इज नॉट अ स्टेट, नागालैंड सर, नागालैंड ठीक किया है। झारखंड लिखिए सर आप। हाँ जी गुरजीत लिख ली यस सर। तो ये क्या है सारी स्टेट्स कि कहां पे लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में, ठीक है सारी स्टेट्स और साथ में इनकी कैपिटल्स तो वो भी बताना चाहिए आपको, ठीक है जितनों की कैपिटल है उसकी कैपिटल लिख दो आगे, जितनों की आपको पता है जितनी भी स्टेट्स की कैपिटल आपको आती है। पंजाब और हरियाणा की तो आती होगी,
चलो तो मैं बोल रहा हूँ कैपिटल्स जो आपके में से हो गया आप देख लेना। हिमाचल प्रदेश की बात कर, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़ दोनों की चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ, लखनऊ नहीं लिखिए लिख दो आप, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, उत्तराखंड देहरादून, राजस्थान जयपुर, जयपुर जयपुर, गुजरात गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात इज गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश इज भोपाल, बिहार इज पटना, बिहार पटना, महाराष्ट्र मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र इज मुंबई, कर्नाटका बेंगलुरु, कर्नाटका इज बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु कैपिटल इज चेन्नई, केरला तिरुवनंतपुरम, क्या तिरुवनंतपुरम, वंथनम पे आके थोड़ा सा थिरु वनंत पुरम, थिरु वनंत पुरम, वनंथम पुरम के बच्चे बोलते हैं, वनंथत पुरम बोलते हैं, थिरु वनंत पुरम बस सिंपल। नेक्स्ट इज तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद पहले थी अभी रिसेंट इसकी कैपिटल चेंज हो गई है, हैदराबाद पहले दो स्टेट्स की कैपिटल थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना की हैदराबाद ही है, लिख लो तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अब चेंज हो चुकी है, दैट इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की कैपिटल, पहले हैदराबाद दोनों स्टेट्स की कैपिटल थी, सो तेलंगाना इज हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश इज विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ओडिशा, ओडिशा इज भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नेक्स्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इज रायपुर, आर ए आई यू आर, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, झारखंड रांची, गोवा, गोवा का है, गोवा की कैपिटल नहीं पता, दृश्यम होंगे देखिए दृश्यम, 2-3 अक्टूबर को स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग था, पानाजी, पी ए एन ए जे आई, पानाजी या पंजी, वेस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल इज कोलकाता, सिक्किम गैंगटॉक, गैंगटॉक जी ए एन जी टी ओ के, गैंगटॉक, असम दिसपुर डी आई एस पी यू आर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ईटानगर आई टी ए एन ए जी ए आर, ईटानगर, नागालैंड, नागालैंड क्या है कोहिमा, के ओ एच आई एम ए, कोहिमा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास त्रिपुरा, त्रिपुरा इज अगरतला, ए जी ए आर टी ए एल ए, अगरतला, मेघालय इज शिलोंग, एस एच आई डबल एल ओ एन जी, शिलोंग। नेक्स्ट इज मिजोरम, मिजोरम का है आइजवाल, ए आई जेड
WAL Aizwal. Last is Manipur. Manipur is Imphal. IMPHA Imphal. ठीक है प्रमिस हो गई सारी. तो ये क्या थी हमारी सारी स्टेट्स. अब आते हैं हम यूनियन टेरिटरीज पे. यूनियन टेरिटरीज सो देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. फर्स्ट इज न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड एट्थ इज दादरा एंड नगर हवेली. दादरा एंड नगरा हवेली, दमन एंड दीव. ये दमन एंड दीव पहले अलग होती थी, अब ये दोनों मर्ज. पहले अलग होती थी दादरा नगर हवेली अलग थी, दमन एंड दीव अलग थी, अब ये मर्ज हो गई, एक ही बन गया. पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 7 यूटीज होती थी, उसके बाद दो नहीं बन गई, लद्दाख और जे एंड के ये स्टेट थी, तो ये यूटी दो यूटीज में बन गई, तो 7 से 9 हो गई. फिर ये दोनों मर्ज हो गई, तो फिर 9 से 8 हो गई. 26 जनवरी 2020 के बाद हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये सारी स्टेट्स और यूटीज का नाम लिखा हुआ है. ठीक है, इसलिए पार्ट का नाम क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. अब वापस आते हैं पार्ट 1 पे. तो पार्ट 1 में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, वी हैव फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4. अब हम आर्टिकल्स भी करेंगे साथ साथ, पार्ट्स भी करेंगे साथ साथ. ठीक है, हर एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे. तो सबसे पहले लिखो, इसको लिखो फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 1 टू 4 डील्स विद, आर्टिकल 1 टू 4 deals with union and its territories. Article 1 to 4 deals with union and its territories. Next, देखो Article 1. Article 1 क्या बोल रहा है? Article 1 says, इसमें लिखो, it says, Article 1 में, it says, India, it says India, that is Bharat, जिसको हम भारत भी बोलते हैं. India, that is Bharat, comma, shall be the union of states. India, the Bharat, shall be the union of states. ठीक है, ये क्यों डाला गया आर्टिकल 1 में, क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी स्टेट्स है वो सब यूनियन से बनी, यूनाइटेड है, और किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए. ठीक है, सबको एक साथ काम करना, जितनी भी 28 स्टेट्स है सारी, इसमें यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, यूनियन टेरिटरी के ऊपर तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अलग हो जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे. ठीक है, ये मतलब है इसका. नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 2. आर्टिकल 2, नाउ आर्टिकल 2 में पहले बता देता हूं है क्या, इट डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां पे लॉज को बनाया जाता है. पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा. दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जहां पे लॉज बनते हैं.
सो पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी स्टेट को अगर हमने एडमिट करना, इंडिया में किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकते हैं या कि कोई भी नई स्टेट को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कोई भी अगर हमने स्टेट एडमिट करनी, एडमिट का मतलब मान लो कि कल को इंडिया ने नेपाल को एक्वायर कर लिया, तो नेपाल इंडिया की स्टेट बनेगी, तो वो स्टेट एज अ स्टेट बनाना किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास। यहां जैसे दो स्टेट एक स्टेट को ब्रेक अवे कर दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश को तोड़ के उसमें से तेलंगाना निकल गया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उसमें से उत्तराखंड निकल गया, तो वो भी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, एस्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो लिखो आर्टिकल 2 में, इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू एडमिट, इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, टू एडमिट और एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट्स। देखो आर्टिकल 3, अब आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि जैसे आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स कर दिए। ठीक है, आर्टिकल 2 में सॉरी, तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जो ये वी कैन से नई स्टेट बनी है, नई स्टेट का नाम कुछ रखना पड़ेगा, तो ये नाम रखने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ये जो चेंजिंग ऑफ नेम्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज है, मान लो ऑलरेडी स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उसके हमने बाउंड्री चेंज कर दी। ठीक है, आर्टिकल 2 डील कर रहा है विद द न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 इज डीलिंग विद द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मान लो पंजाब हरियाणा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पंजाब की कुछ दो डिस्ट्रिक्ट हमने हरियाणा में जोड़ दी, तो इसमें कोई नई स्टेट तो नहीं एस्टैब्लिश हुई, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन बाउंड्रीज बदली गई। तो बाउंड्रीज की ऑल्टरेशन और नेम्स के चेंज करना, जैसे ओडिशा था पहले ORISS, अब ओडिशा बन गया, पहले उत्तरांचल था तो वो उत्तराखंड बन गया। ठीक है, यूपी जो था पहले वो यूनाइटेड प्रोविंसेस होता था, वो अब उत्तर प्रदेश बन गया। जो मध्य प्रदेश है ये पहले सेंट्रल प्रोविंसेस होता था, तो मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है, तो जो नेम चेंज करने हैं हमें, जैसे पहले स्टेट था JNK, एक स्टेट थी, अब उसमें से एक नई निकली यूटी लद्दाख, तो ये लद्दाख एक नया नाम आया एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में लिखो, इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू इंक्रीज डिक्रीज और ऑल्टर द एरिया ऑफ एनी स्टेट, द एरिया ऑफ एनी स्टेट अलोंग विद मेकिंग चेंजेस इन द नेम, along with making changes in the name। ठीक है, तो कोई भी हमने नाम चेंज करना है तो उसमें आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है। समझ आ गए 3 आर्टिकल्स? फर्स्ट, हाँ जी गुरजीत, समझ आ गए आपको? यस सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में बोला गया कोई भी अगर हमने नई स्टेट को एस्टैब्लिश करना है या किसी स्टेट को एक्वायर करके हमने इंडियन यूनियन के साथ जोड़ना, तो उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, न्यू स्टेट्स की बात नहीं हो रही, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है अगर उनकी बाउंड्री चेंज की जाएगी और उसके नेम चेंज किए जाएंगे तो वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आर्टिकल 4। आर्टिकल 4
अब आर्टिकल फोर करने से पहले हमें वापस जाना है शेड्यूल्स पे। तो शेड्यूल्स आपने किए थे, हमने टोटल 12 शेड्यूल किए थे, उसमें हमने किया था एक शेड्यूल वन। तो शेड्यूल वन क्या था पढ़ो, क्या था शेड्यूल वन? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अगर आर्टिकल टू को यूज करके या आर्टिकल थ्री को यूज करके कोई भी नई स्टेट बनी, ठीक है, तो उसका नाम हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ेगा, इस शेड्यूल में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो शेड्यूल में अगर हम डालना पड़ेगा तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एडिशन हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, दैट इज अमेंडमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा अगर हमने किसी भी स्टेट की बाउंड्री है उसको नेम को चेंज किया। कोई नई स्टेट बनाई है तो उसका नया नाम होगा, या किसी की स्टेट की नाम ही बदल दिया हमने, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट किस में करना पड़ेगा? शेड्यूल वन में, ठीक है, समझ आया? यस सर। फिर एक और शेड्यूल पढ़ा था हमने, शेड्यूल फोर। शेड्यूल फोर क्या था? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा मतलब हर स्टेट को कुछ सीट्स हमने दी हुई है राज्यसभा। राज्यसभा का मैं दोबारा बता दूं, देयर आर टोटल 250 सीट्स, और ये सीट्स जो है ये अमंग 28 स्टेट्स डिवाइडेड है, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे यूपी बिहार के पास सबसे ज्यादा सीट्स है, गोवा के पास सबसे कम सीट्स है, ठीक है। हर स्टेट के पास कुछ सीट्स रिजर्व्ड है इन राज्यसभा, और ये कितनी कितनी सीट्स मिली हुई है कहां पे लिखा हुआ है? शेड्यूल फोर में कॉन्स्टिट्यूशन के। अब मान लो कोई नई स्टेट बनी है तो उसको भी तो सीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो सीट्स जो नई स्टेट को मिलेंगी तो वो हमें कहां पे मेंशन करना पड़ेगा? शेड्यूल फोर में। तो शेड्यूल फोर में अगर हम मेंशन करेंगे तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा? अमेंडमेंट। तो उसके लिए भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें। या मान लो हमने आर्टिकल थ्री को यूज करके स्टेट की बाउंड्रीज चेंज की, तो बाउंड्रीज चेंज करने की वजह से सीट्स भी तो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन एक स्टेट की दूसरी स्टेट में चली गई, तो जिस स्टेट में गई है उसकी सीट इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी स्टेट से पॉपुलेशन ली गई है उसकी सीट्स डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें शेड्यूल फोर में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों शेड्यूल्स में अमेंडमेंट तब करना पड़ेगा अगर हम आर्टिकल टू और आर्टिकल थ्री को यूज करके कोई भी चेंज कर रहे हैं, हम मतलब पार्लियामेंट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये कहां पे लिखा गया है? आर्टिकल फोर। आर्टिकल फोर क्या बोल रहा है कि अगर आर्टिकल टू और थ्री को यूज करेगा पार्लियामेंट तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल वन और टू में अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। समझ आया पक्का? हाँ जी गुरजीत, समझ आया? यस सर। तो लिखो फिर आर्टिकल फोर। आर्टिकल फोर में लिखो एनी लॉ रेफर्ड टू, एनी लॉ रेफर्ड टू आर्टिकल टू और थ्री, आर्टिकल टू और थ्री मे बी अफेक्टिव इफ इट कंटेन्स द प्रोविजन्स फॉर The amendment in provisions for the amendment in Schedule 1 and 4. Schedule 1 and 4. ठीक है, समझ आया? तो आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 को यूज करेंगे, कोई भी लॉ आएगा तो उसमें इट इज नेसेसरी के उसमें प्रोविजंस होने चाहिए कि आपने कैसे शेड्यूल 1 और 4 को अमेंड करें। क्लियर? चलो अब इसके बाद थोड़ा सा हम हिस्ट्री में देखें कि जो आज एट प्रेजेंट स्टेट्स हैं वो बनी कैसे। तो इसी में ही हेडिंग लिखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
स्टेट्स। अब इन्हीं आर्टिकल्स को यूज करके पार्लियामेंट ने कैसे बाउंड्रीज की ऑल्टरेशंस की और कैसे नेम को चेंज किया। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई, 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था, इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स, अराउंड 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। जैसे आपका शिमला है, शिमला में कहां से, शिमला सिटी से हुआ या अपर शिमला कहीं से, नारकंडा। जैसे अपर शिमला में बहुत सारी छोटी प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे कि आज के टाइम पे रामपुर बुशहर हो गया, जुब्बल हो गया, कोटी हो गया, भज्जी हो गया, महलोक हो गया, सारी प्रिंसली स्टेट्स है छोटी। तो ऐसे पूरे इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। अब यहाँ पे किंग्स थे, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये किंग्स ने डिसाइड किया कि चलो हम इंडिया के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इसीलिए हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया, वो सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ा। जब ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ जुड़ने शुरू हो गए तो इंडिया में डिमांड उठी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स होनी चाहिए, मेकिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पर गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया क्योंकि देयर आर डाइवर्स लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। बट आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट बनी, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेट बनाई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यस, हमें लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट्स बनानी चाहिए, क्योंकि लोगों की यही डिमांड है। तो 1956 में एक एक्ट आया, मैं लिखवाऊंगा अभी, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये एक्ट में फर्स्ट टाइम 14 स्टेट्स बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये 14 स्टेट्स। और धीरे धीरे विद द टाइम ये 14 स्टेट्स से स्टेट्स टूटती गई, अलग होती गई। तो आज हमारी 14 से लेके कितनी इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है, 28। ठीक है, धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट होती रही, टूटती रही। जैसे पहले क्या था, पंजाब था, तो 1966 में पंजाब से हरियाणा बना, हरियाणा नहीं था, और पंजाब बहुत बड़ा था, पंजाब था आपके लद्दाख तक। ठीक है, तो फिर जो पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज थे उनको हिमाचल बना दिया गया, जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे उनको हरियाणा बना दिया गया, और जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया सिर्फ पंजाब बना दिया गया। जैसे पहले एक बॉम्बे स्टेट होती थी, बॉम्बे में जो महाराष्ट्र स्पीकिंग थे, मराठी स्पीकिंग थे, वो महाराष्ट्र बन गए, जो गुजराती स्पीकिंग थे वो गुजरात बन गया। ठीक है, और जो राजपूता पुताना एरिया था सारा, जहां पे छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, राजपूत स्टेट्स थी, वो राजस्थान बन गया, राजों का स्थान। ठीक है, ऐसे स्टेट्स में, ठीक है, तो इसमें लिखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, on the basis of language. Next point. But in 1955, Andhra Pradesh became the first state on linguistic basis. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 एंड अग्रीड टू फॉर्म 14 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ language, 14 states on the basis of language. आपके 14 कौन कौन से स्टेट्स थी, जल्दी लिखो लिस्ट एक। आंध्र प्रदेश,
असम, बिहार, बॉम्बे, बॉम्बे लिखना, BOMBAY, बॉम्बे, J&K, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, MYSOR, मैसूर, ओरिसा, ORISSA, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एंड लास्ट इज वेस्ट बंगाल, लास्ट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 1956 में ये स्टेट्स थे हमारे पास। अब उसके बाद नई स्टेट्स बनती है, तो उसके बाद एडिंग लिखो न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स। सो न्यू स्टेट्स में सबसे पहले लिखो, ईयर लिखना है, ईयर और स्टेट, कौन सी ईयर को कौन सी स्टेट बनी। तो फर्स्ट 1963 नागालैंड, सॉरी इससे पहले 1960 आएगा, इससे पहले 1960 आएगा महाराष्ट्र एंड गुजरात, सॉरी 1960 महाराष्ट्र एंड गुजरात, फिर उसके बाद 1963 नागालैंड, सबसे पहले 1960 महाराष्ट्र एंड गुजरात, देन 1963 नागालैंड, देन 1966 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, HP, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीन बनी थी एक ही ईयर में, त्रिपुरा एंड मणिपुर। 1975 सिक्किम, SIKKIM, सिक्किम। 1986 मिजोरम, 1986 मिजोरम। 1987 अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ये दोनों इकट्ठे करी अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 2000 इसमें तीन स्टेट्स बनी, छत्तीसगढ़, झारखंड, एंड उत्तराखंड। और लास्ट जो हमारे रीसेंट स्टेट बनी है वो 2014 में बनी है, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तो ये है हमारी सारी स्टेट्स जो विद टाइम आज के टाइम पे जो इंडिया में है, पुट 28। ठीक है, बाद में J&K जो है वो 2019 में उसका स्टेटस स्टेट से यूटी कर दिया और एक नई यूटी बनी लद्दाख, इसी टाइप के बीच। क्लियर, तो ये हमारा पार्ट वन। नेक्स्ट सैटरडे हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप से, विच इज पार्ट टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, कि हमें, हम इंडिया के सिटीजन है, क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर हम इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? क्लियर है? हाँ जी सीरत, बोरिंग तो नहीं थी, मतलब बोरिंग तो, चलो समझ आया? हाँ जी गुरजीत वाली, एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।